अस्सलाम वालेकुम जी, हमें जो है वो बात करनी है आज इलेक्शन 2024 के बारे में, ताकि जो इलेक्शन है वो नज़दीक है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो वोट किसको देनी है। वोट देने के लिए हमें इतना कोई भी मसला नहीं है, लेकिन वोट देने के बाद मसला है। तो वोट देने के लिए हमें कुछ सोचना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें वोट जो है अपने ही मेंबर को देनी है, जो कि हमारे कॉस्ट का मतलब के यार बिरादरी है, बिरादरी को जो है वोट देनी है, फिर भी हमारा ही है, हमारे कॉस्ट का, हमारे जात का है, तो फिर इसको वोट देना दूसरों से बेहतर है। तो भाई वोट एक आपके लिए अमानत है, तो अमानत से खयानत मत करें। आपके बच्चों का, आपके बच्चों के फ्यूचर का मसला है और आपके पूरे रीजन का मसला है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, आपके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आप उनको वोट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे बिरादरी का है। बिरादरी को फेस करो भाई, बिरादरी को चलाना है तो फिर चलाओ, फिर इलेक्शन छोड़ दो, फिर वोट को जिस हिसाब से दो वो आपकी मर्जी है, आप देते रहें। अपने बच्चों को जो है वो मसलों में मसाइलों में डालकर उनकी फ्यूचर को तबाह करें, फिर यही बेहतर है आप लोगों के लिए। भाई वोट के लिए बिरादरी की या किसी भी दोस्त या किसी भी जमात का होना ज़रूरी नहीं है। वोट जो है वो अमानत है, वोट सियासी है। सियासी इख्तलाफात कोई किसी का बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं, सियासी इख्तलाफात होने चाहिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करें, ये बिरादरी काम नहीं आएगी। बिरादरी ये वोट लेने के लिए आती है, ये वोट लेकर फिर आपको नजर भी नहीं आते, आपको फायदा क्या है इन चीजों से। मेरा तो मशवरा यही है, मैं किसी भी जमात का सपोर्ट भी नहीं करूंगा इस वीडियो में, ना ही मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आवाम से यही मुखातिब होकर उनको कुछ वर्ड्स जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे भाई, आप लोगों के लिए आज अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप लोगों ने इस वक्त भी अपना कदम अच्छा नहीं उठाया, सही कदम नहीं उठाया, तो आपको 5 साल फिर से भोगना पड़ेगा। 5 साल में आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके शहर में क्या हुआ है, कौन सा काम हुआ है, कौन सी बेहतरी में आपका जो शहर है वो आया है, आपके शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन से फवायद आप लोगों को मिले हैं, कौन सी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोगों को क्या कुछ मिला है, आप उन सारे चीज़ों को देखकर फिर डिसाइड करना कि वोट किसको देनी है। वोट देनी ही नहीं है, ये मेरा मशवरा है, किसी को भी वोट ना दें। आप अपने घर आराम करें, आप अपने घर सोकर अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारें, ये आपके लिए बेहतर है। किसी को वोट ना देने से कम आप लोगों को ये तो तसली होगी कि वोट नहीं दिया, हमारे वोट से कोई भी नहीं जीता, ये तो तसली आप लोगों को होगी। बाकी वोट किसी को भी दोगे, वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपको हाथ हाथ मिलाने के लिए वो तैयार नहीं होगा। ये मेरा बात आप कान खोल कर सुन ले, कोई भी किसी का नहीं है, आप अपने हकूक गले में हाथ डालकर उनसे छीन सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप लोगों के लिए कोई जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। आप लोगों को आटे की कीमत 170-180 पर मिल रही थी, उस वक्त तो कोई किसी का नहीं था, आपको 300 पर पेट्रोल मिल रहा था। आप लोगों को फ्लड में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, आप लोगों के लिए कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी व्हीकल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया कि जो लोग हैं वो फ्लड में किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई लोग जो है वो किसी किनारे पर बैठे हुए थे, कुछ लोग तो अपने गांव के अंदर ही अपने जगहों के फ्लोर्स पर जो है वो रहना कहना जो है वो शुरू कर दिया था उन्होंने। क्यों? ये सारे जो मसाइल हैं
उन सारे मसाइलों को देखकर आप लोगों को यही सोचना पड़ेगा कि आप जो वोट दे रहे हैं आप किसको दे रहे हैं, फिर से अपने लिए मसला खड़ा कर रहे हैं भाई, फिर से कोई किसी का नहीं है। जबकि पिछले यार इतने साल गुजर चुके हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में क्या होगा, वो लोग आपके लिए क्या करेंगे। जबकि आप लोगों को पता भी है कि एक बंदा मुसलसिल आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मुसलसिल वोट लेने के दिन आता है, वोट लेकर बाद में आपको लोगों को फेस भी नहीं दिखा रहा, फिर भी आप लोग जो है वो अपने बिरादरियों को चमका रहे हैं, अपने दोस्तों को बरकरार रखने के लिए अपने जो है वो अपने सारे मसाइलों को साइड पर रख कर अपना जो वोट है वो ठप्पा लगा कर उस दिन उसको ही सक्सेस करते हो, कभी सोचा है। फिर तो अफसोस हमें अपने ऊपर होनी चाहिए ना, फिर वो क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को ही करनी है भाई। जब आप खुद के साथ सच्चे नहीं हैं, अपने बच्चों के साथ सच्चे नहीं हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ सच्चे नहीं हैं, दूसरों को क्या फ़ायदा होगा, दूसरों को क्या हो रहा है, कौन से नुकसान हो रही है उनको कि वो आकर आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, खुद करें ना। एक साल किसी को सक्सेस ना करें, एक इलेक्शन में उसको हवा दें वो हार जाए, उसके बाद देखना कि उसमें सुधारी आ जाती है, नहीं वो खुद ही सुधर जाएगा। एक बार उसको आप फेल्यूर तो करें, वो हार जाए उसके बाद मज़ा देखना, वो खुद ही सुधर जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि लोग जो है हमें समझ गए हैं लेकिन आप लोगों में भी सुधारा नहीं है, तो वो कहाँ से सुधरेंगे। खुद तो सुधरें पहले, खुद तो कुछ करें, अपने लिए तो करें, दूसरों को कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद के लिए कुछ करें भाई। तो रेस वगैरह ये वो इन लोगों के हिसाब से वोट वगैरह देते रहेंगे तो फिर यार कुछ भी नहीं होगा, फिर अपने जो मसाइल चल रहे हैं ना ये बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो इसलिए खुदा रहा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट है 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल आपको ये भोगना पड़ेगा। अभी आप 5 मिनट में जाकर वहाँ पर अपनी जो है वो लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को खुश करें मगर खुद को भी तो देखें आपके साथ क्या हो रहा है। कोई भी बताए किसी के गांव में किसी के शहर में कोई रोड रास्ता बनाया गया है, किसी के गांव में किसी के शहर में कोई अच्छा सा मकान किसको दिया गया है, कोई भी बताए कि किसी को फ्लड में कोई कैंप वगैरह बना के दिया गया था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं, आप लोग जो है वो फ्लड अफेक्टेड हैं, बताए ना। किसी को कुछ मिलता नहीं है, किसी के साथ कोई भी फायदा नहीं हो रहा, किसी के साथ कोई भी कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म का जुल्म हो जाए, लेकिन आप लोग सुधरने वाले तो हैं ही नहीं। फिर कहते हैं जी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यार आपके साथ अच्छा कैसे होगा जब आप खुद भी सच्चे नहीं है, तो दूसरे कैसे आपसे आपके साथ सच्चे होंगे मेरे भाई। थोड़ा सा कुछ भी तो खुद तो सोच लें, खुदारा खुद तो सोच लें, वोट किसी को भी ना दें, अच्छा इसमें है, बेहतर इसमें है। अगर वोट आप लोग दे रहे हैं तो फिर भी कुछ तो सोचें, किसी को देने से पहले सोचना ज़रूरी है, सोच समझ कर फिर दे दें। मैं नहीं कहता कि किसी को भी दो, मैं नहीं कहता कि किसी को ना दो, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर अमानत है, आप लोग अमानत से ख्यानत ना करें, अल्लाह को हाजुर नाजुर समझ कर अपने बच्चों के फ्यूचर को देख कर वोट का सही इस्तेमाल करें।